हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। इग्नू की तरफ से 34th कॉन्वोकेशंस के रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट कर दिए गए। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, और आपका यहाँ पे या तो पासवर्ड गलत बता रहा है या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर ही गलत बता रहा है। सो, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाला हूँ। इनफैक्ट एक स्टूडेंट का मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो, डायरेक्टली चलते हैं आपके कॉन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। दोस्तों, ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 34th कॉन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पेज में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, और इसके नीचे आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड को क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। इससे पहले आप एक बार जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी 34th कॉन्वोकेशन के लिए अपीयर करेंगे, जो अटेंड करेंगे, उन सभी को मैं बता दूं कि अभी आपके जैसे पहले ऑफलाइन कॉन्वोकेशन कंडक्ट किए जाते थे, जब आप अपने रीजनल सेंटर जाते थे अपनी डिग्री लेने के लिए, उस तरीके से कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इस बार आपके ऑनलाइन वर्चुअल मोड के थ्रू ही कॉन्वोकेशन को कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप सभी के घर पे बाई पोस्ट भेज दी जाएगी। इसमें अभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा या फिर आपका पासवर्ड यहाँ पे गलत हो जाता है। आप में से सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2019 या फिर जून 2020 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे, उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं, जिन्होंने अपनी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स 34th कॉन्वोकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स PhD, MPhil, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम्स वाले हैं, उन सभी को ₹600 पेमेंट करना होगा। इसके अलावा PG सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट को ₹200 यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा। आपकी फ़ीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए जमा कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के बाद में आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो आप 48 आवर्स का वेट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट, आप इसको क्लिक करके और उसे ओपन कर पाएंगे। अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको यहाँ पे एक लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है और एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इग्नू से MBA, MCA, MCOM, BTCM, BNS कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को अपने हर अलग अलग सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि ये कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, तो अगर आपके अलग अलग डिग्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको सभी के लिए अलग अलग ₹600 फीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आप डिक्लेरेशन के पास में जो स्मॉल बॉक्स है, इसे टिक करके और आई एग्री एंड प्रोसीड को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इसी टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे सोचेंगे कि आपका इनरोलमेंट नंबर आपके पास में है, आपके पास में आपका पासवर्ड भी है, और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड है, आप इसे यहाँ पे इंटर करके जैसे ही लॉगिन को क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, लॉगिन नहीं हो पाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपके इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मांगे गए हैं। आप अपने इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद में जैसे ही अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, तो आपका प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स। अगर आप 34th कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, अदरवाइज आपकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन नहीं होंगी। इसलिए आपको पहले चेक करना है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। जैसे ही आप वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स को क्लिक करेंगे, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपका पेज कुछ इसी टाइप से
ओपन हो जाएगा। आपके एनरोलमेंट नंबर दिए होंगे, आपका प्रोग्राम कोड, आपका नाम दिया होगा यहाँ पे, आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद में जो सिक्योरिटी कोड दिया रहेगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना होगा, आपको अपना एक नया पासवर्ड बनाना होगा। जो भी आपके पुराने पासवर्ड है आप उसे भूल जाइए, आपको यहाँ पे इसके लिए नया पासवर्ड बनाना होगा। सो दोस्तों यहाँ पे ये सभी डिटेल्स मैं एक बार जल्दी जल्दी फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट को क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर इंटर करने हैं, उसके बाद में आपको अपना जो पासवर्ड अभी आपने लिखा वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना होगा और नीचे जो सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे इंटर करके और लॉगिन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इस पेज में आपके एनरोलमेंट नंबर, आपका डिग्री नंबर, आपकी सभी डिटेल्स दी होंगी। यहाँ पे आपको कितना फीस पेमेंट करना है वो भी दिया होगा। इसके अलावा दोस्तों जो एड्रेस यहाँ पे दिया होगा, आप अगर चाहते हैं कि आपकी डिग्री उसी एड्रेस पे भेजी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वेदर देयर इज एनी चेंज इन एड्रेस। आप यहाँ पे यस को क्लिक करके और अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए जब भी जाएंगे उससे पहले अपना इग्नू का आईडी कार्ड तैयार रखें जिसकी साइज रहेगी मैक्सिमम 100 KB, क्योंकि आपको अपना इग्नू आईडी कार्ड यहां पे अपलोड करना होगा। सो आप अगर अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे अपना नया एड्रेस लिख सकते हैं, उसके बाद में आपको अपना इग्नू आईडी कार्ड यहां पे अपलोड करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे चूज फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के जरिए या आपके पीसी के जरिए जो भी आपका आईडी कार्ड का फाइल है आप उसे यहां पे अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे जो स्टूडेंट है जिनका मैं फिलअप कर रहा हूं उसे अपलोड कर देता हूं। अपलोड करने के बाद में यहां पे आपका आईडी कार्ड शो करेगा और उसके बगल में लिखा हुआ है इग्नू आईडी कार्ड सक्सेसफुली अपलोडेड। इसके बाद में सिंपली आपको यहां पे डिक्लेरेशन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद में सेव एंड पेमेंट। अभी आप अपने पेमेंट वाले पेज में चले जाएंगे। पेमेंट करने के टाइम पे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है जब आपको यहाँ पे HDFC बैंक या फिर IDBI बैंक सिर्फ दो ही ऑप्शन नज़र आते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके और अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। सो आप जैसे ही अपना पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका पेज यहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आपको बैक या फिर रिफ्रेश का बटन प्रेस नहीं करना। इसके बाद में आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे आपका OTP मांगा जाएगा। आप यहाँ पे अपना OTP इंटर करने के बाद में सबमिट को क्लिक कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपके सामने एक्नॉलेजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने कंट्रोल नंबर देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको प्रिंट ले सकते हैं, क्योंकि यही आपके नेक्स्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप कन्वोकेशन का वेट कीजिए। इग्नू की तरफ से कन्वोकेशन कब कंडक्ट किए जाएंगे अभी तक उसकी डेट कोई भी निश्चित नहीं की गई। कन्वोकेशन कंडक्ट करने के 15 से 20 दिन के अंदर आपकी डिग्री आपके होम एड्रेस पे भेज दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा तरीका आपको 34th कन्वोकेशन के लिए किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। आशा करता हूँ आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कन्वोकेशन का लिंक इग्नू के मेन पेज में नहीं मिल पा रहा है, होम पेज में अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आप इग्नू का आईग्राम वाला पेज ओपन कर लीजिए। आईग्राम वाले पेज में यहाँ पे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स में आपको कन्वोकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 34th कन्वोकेशन न्यू, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्टली अपने कन्वोकेशन वाले पेज में चले जाएंगे और अपना कन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।